हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले उसको आप लोग पढ़िएगा और जो दिया रहता है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमने ये क्या कहला था आव्यूह, अपन को इसके आव्यूह जाति ज्ञात करना है। तो इसके हमने आप लोग के लिए मेथड बताया कि आव्यूह जाति किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले मेथड देखिए, यानी कि अपन को मेथड क्या करनी है, इसको इसका सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो अपनी आव्यूह जाति कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। जो ये आव्यूह है अपना थ्री बाई थ्री का आव्यूह है, ठीक है। ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये हो गया अपना, सबसे पहले ये दिया हुआ है, अपन को क्या निकालना, मॉड ए निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मॉड ए निकालते हैं, ठीक है। मॉड ए में करना क्या है अपन, वन टू थ्री, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, संक्रिया लगाएंगे। कौन सी संक्रिया, जैसे अपन आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, यानी कि जो अपनी आर टू रो है अपनी ये वाली, देखो ये अपना जो आव्यूह थ्री बाई थ्री का, थ्री रो है इसमें थ्री कॉलम है, यानी अपना ये थ्री बाई थ्री का आव्यूह है। अपन को इसमें आव्यूह की जाति बतानी है। अब जाति किस प्रकार करते हैं, यदि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा इसमें थ्री बाई थ्री के में, तो अपन की रो ऑफ ए कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या अपन कौन सी लगाएंगे, आर थ्री, अपन इसको चेंज करेंगे, आर थ्री माइनस आर टू, यानी आर टू अपन रो निकालेंगे, आर टू जो रो होगी इसमें अपन आर वन को घटा देंगे, घटाते हैं, चलो ठीक है। वन तो ऊपर की रो तो ज्यों की त्यों रहेगी, वन टू थ्री, ठीक है। यहाँ पे अपन वन टू थ्री ज्यों की त्यों, क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं होना है, केवल अपन की आर टू में और आर थ्री रो में को होना है। आर टू माइनस आर वन, अपन आर टू के लिए चेंज कर रहे हैं, इसको आर टू में से आर वन, यानी टू माइनस वन, यानी अपना क्या जाएगा वन, थ्री माइनस टू यानी ये भी अपनी वन हो जाएगी, फोर माइनस थ्री अपना ये भी वन हो जाएगी। अब अपन को आर थ्री रो लेनी, यानी इसको आर थ्री किस प्रकार करनी है, आर थ्री में से आर टू घटानी है, तो तीन में से दो जाएगा एक बजेगा, चार में से तीन जाएगा एक बजेगा, पांच में से चार जाएगा एक बजेगा, ठीक है। संक्रिया लगाना आप लोग से, संक्रिया अपने हिसाब से लगानी, जिस प्रकार से अपन को क्वेश्चन सॉल्व बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है आर टू और आर थ्री रो बराबर है, चूंकि आर टू इज इक्वल टू आर थ्री है अपना, अपनी आर टू इज इक्वल टू आर थ्री चूंकि, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मॉड ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो रो समान होती है तो इसके आंसर अपना जीरो आया, और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तब भी इसका जीरो आएगा। अब चूंकि मॉड ए इज इक्वल टू जीरो है तो अपनी रो ऑफ ए यानी जाति अपनी तीन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होता जीरो के तो अपन की रो ऑफ ए मतलब जाति अपनी तीन हो जाती, क्योंकि ये थ्री बाई थ्री का आव्यूह, अपन को ये याद रखना, यदि तीन कॉलम और तीन रो है तो उसका ये है कि तीन उसकी जाति होगी या नहीं। तीन जाति कब होगी, जब अपन का बराबर नहीं होगा जीरो के मॉड ए। अब देखो जब बराबर ये वाले अपनी थ्री नहीं है तो अपन की इसकी जाति फिर से अपन दो बाई दो का लेते हैं, ये थ्री बाई थ्री का था तो थ्री बाई थ्री में नहीं है, आप टू बाई टू का लेते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू वन टू टू थ्री, ठीक है ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसमें अगर अपन का बराबर नहीं आएगा जीरो के तो अपनी दो जाति होगी, क्योंकि अपन ये टू बाई टू ले रहे हैं तो इसकी टू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व, थ्री माइनस फोर आ जाएगा, यानी कि अपना क्या आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, अपना नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, अतः अपन क्या ले सकते हैं रो ऑफ ए इज इक्वल टू टू हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना आंसर। मेन वाइज अपन को थ्री बाई थ्री आव्यूह जैसे दिया है तो थ्री बाई थ्री आव्यूह के लिए अपन मॉड ए निकालेंगे, फिर टू बाई टू के लिए निकालेंगे, तो अपने इसी प्रकार से अपन को जाति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगली वीडियो में हम और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है।